आज के हमारी इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ बीबीए माइक्रो प्रोग्राम। जी हाँ, बीबीए। देखिए, बीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फूड एप्लीकेशन। ठीक है, बीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फूड एप्लीकेशन। अब ध्यान रखिएगा, अब वीवी मैंने बोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि वीवी 6 हो गया या वीवी स्टूडियो हो गई या आपका जो डॉट नेट है इस तरह की हो गई, क्योंकि इन सबों की मदद से आप एक एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, लेकिन वीवीए जो है एप्लीकेशन को तैयार नहीं करती है। एमएस ऑफिस के अंदर नए फीचर्स को डेवलप करती है। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर नए फीचर्स को डेवलप करती है। एमएस ऑफिस की बात कर रहा हूं क्योंकि ए वीवीए वर्ड पे चलता है, आउटलुक पे चलता है, उसके बाद इस पे एक्सेस पे चलता है, पावर पॉइंट पे चलता है, इन सब पे चलता है। लेकिन मैं आपके साथ जो सिखाने वाला हूं वो आपको एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। आप समझते हैं कि वीवीए की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, वीवीए को अगर फैक्ट्री मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके जरिए हम बनाएंगे मैक्रोज। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है जिसको हम दूर कर लेते हैं। कंफ्यूजन ये है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि जो वीवीए है, मतलब कि जो हम कोडिंग करते हैं वो वीवीए हो गया। ठीक है, लेकिन और जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो माइक्रो कहलाता है। जो रिकॉर्डिंग होता है उसको माइक्रो कहते हैं। देखिए, कंफ्यूजन दूर कर दी। माइक्रो चाहे आप जाके विजुअल बेसिक में कोड करते हो, जो कोडिंग मैंने कर रखी है एक कोड ले लीजिए, या फिर आप जो है रिकॉर्ड माइक्रो के थ्रू जो रिकॉर्डिंग करते हैं ले लीजिए, दोनों बनता माइक्रो ही है और दोनों जो यूज करता है वो वीवीए प्रोग्रामिंग ही यूज करता है। रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो आपके माउस और कीबोर्ड एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक तरह से डिक्टेशन है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेटर है, जो आप बोलते जाते हो कोड में कन्वर्ट करते जाता है। समझे? लेकिन बनता दोनों में मैक्रो ही है, रिकॉर्ड कीजिए चाहे कोड कीजिए, दोनों में बनता मैक्रो ही है। समझ गए? अब मैक्रो का काम क्या होता है? देखिए, मैक्रो जस्ट ऑटो पायलट कंडीशन दे दी, कमांड दे दी, वो उसी कमांड को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे यहां पे सब में इंसेंटिव देने, ठीक है, इस सब के अंदर मुझे इंसेंटिव देने हैं, जो 50 से ऊपर है उसको 500 का इंसेंटिव इस तरह से हमें देना है। अब इसी काम को मैंने वीवीए कोड में लिख दिया, यहाँ दिख रहा है, वीवीए कोड में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना मैक्रो रन करते ही आप देखिएगा, दिख रहा है आपको? इसलिए क्या किया, ऑटो पायलट की तरह वर्क किया। मैंने जो कंडीशन दिया था, मैंने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके ऊपर क्या हुआ, उसने मेरा काम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम वीवीए प्रोग्रामिंग के साथ करते हैं। जैसे आपके पास कोई काम है और काम जो रिपीटेड है, बार बार करना होता है,
बार बार जो करने में आप टाइम लगाते हैं उस काम को आप माइक्रो के रूप में डाल दीजिए। माइक्रो के रूप में डालने के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो उसको आप रन करेंगे वो आपका काम विद इन सेकेंड में कर देगा। जो काम घंटों का होगा उस काम को विद इन सेकेंड में करके आपको दे देगा। दैट कॉल माइक्रो प्रोग्रामिंग। समझ गए। माइक्रो कैसा के बाद हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप एच लुकअप जो फॉर्मूले होते हैं ना इस तरह के फॉर्म। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बच्चे पूछ देते हैं कि सर एक्सेल में तो इतने सारे फॉर्मूले उस तो वो तो मुझे हमें आए ही नहीं और आप बोल रहे हैं कि नया फॉर्मूला बना। जो पहले से फॉर्मूला है वही सरदर्द बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि और फॉर्मूला बना ले। तो यहाँ पे क्या है एक चीज जान लीजिए, तो आपके पास फॉर्मूले हैं वो लिमिटेड हैं पहली चीज। दूसरा उन जिसके कंडीशंस उसके तरीके इनपुट आउटपुट दोनों फिक्स है। जैसे कि हम बात करते हैं वी लुकअप की, किसकी बात कर रहे हैं वी लुकअप की। तो वी लुकअप की है कि भाई लेफ्ट टू राइट करेगा, सबसे पहली वाली वैल्यू को लेगा, मल्टीपल वैल्यू नहीं देगा, एक ही सीट से डेटा लुकअप करेगा। ये सारे लिमिटेशन है। अब आपके पास मान लीजिए जैसे पांच अलग अलग सीट में डेटा है, आपको पांचों से वी लुकअप लगवाना हो तो नॉर्मली आपको पांच अलग अलग वी लुकअप लगाने पड़ेंगे। अब डेटा इसमें नहीं मिला तो दूसरे में, दूसरे मिला तीसरे में मिला चौथे में मिला पांचवे में, राइट। करेक्ट लेकिन करेक्ट हम करेक्ट वीवीए प्रोग्रामिंग में इसकी कोडिंग कर देंगे कि भाई जो चीजें बताई वो सारी कोड में डाल दी। तो नेक्स्ट टाइम जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला हमारे हिसाब से काम करेगा। तो कह सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्मूले बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके तीसरा जो इसका यूज़र क्यूज डिफाइंड कंट्रोल फॉर्मेट है। फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ यूडीएफ यूज से। इट फाइन, यूज इट फाइन। हाँ हाँ ओके समझ गया सर। कंटिन्यू। उसके बाद हम बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म का यूज होता है इंटरफेस करने। अब जैसे मान लीजिए पिवट टेबल है, जब क्लिक किया पॉपअप आ गया, ठीक है ना। हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और मेरा पिवट उसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से मैंने इसको किया हुआ। समझ गए। कट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ ये यह हो गया, अभी तो हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए पिवट टेबल ना होता और आपको मैक्रो बनाना पड़ता है पिवट टेबल का, तो आपको तो कई सारे मैक्रो बनाने पड़ते हैं ना। एक मैक्रो पिवट टेबल विथ न्यू वर्कशीट, दूसरा मैक्रो पिवट टेबल विथ एग्जिस्टिंग वर्कशीट। क्या या एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए एक आपको रिपोर्ट ऑटोमेट करना है, ठीक है ना, मंथली रिपोर्ट बनाने का ऑटोमेट करना है। तो अगर 12 महीने का अलग अलग माइक्रो बनाएंगे तो आपको 12 माइक्रो बनाना पड़ेगा। लेकिन आपने एक ही माइक्रो बनाया और उसको यूजर फॉर्म से कनेक्ट कर दिया, बंदा जैसे रन करता है वो ड्रॉप डाउन देता है, पूछता है कि सिलेक्ट द मंथ, उसके अलावा कुछ और है, सिलेक्ट द सिटी, सिलेक्ट द वगैरह। तो जो एरिया वो सिलेक्ट करके जैसे ओके पे क्लिक करता है, ओके पे क्लिक करने पे ओके पे उतना कमांड डाला रहता है कि भाई जो जो इनपुट हो उसके हिसाब से रिपोर्ट बने। तो यूज करने में आसानी हो जाएगी ना सर। क्या करेक्ट अब जैसे देख लीजिए ना कि होम बार में ही आपको फॉन्ट का अलग अलग ऑप्शन है, अलाइनमेंट का अलग अलग ऑप्शन है, नंबर का अलग अलग ऑप्शन है, क्या दिख रहा है ना। हाँ लेकिन जब राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेलेक्ट करते तो एक पॉपअप आता है, राइट, और सारा यहाँ पे दिया गया। जो आप सेलेक्ट करते हो ओके करते हो आपका फीचर्स वही अप्लाई होता है। इस तरह की जो इंटरफेस है वो हम यूजर फॉर्म से बनाते हैं। तो वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से हम तीन चीजों पे काम करेंगे। पहला है मैक्रोज जो कि मेन है और ये माइक्रो प्रोग्रामिंग है, मतलब कि आपका जो ऑटोमेशन यही करता है।
फंक्शंस हम फॉर्मूले बनाते हैं जो कि मैक्रोज को भी सपोर्ट करता है और हमारे एक्सेल को भी सपोर्ट करता है। हेलो एक सेकंड सर, एक सेकंड। सॉरी सर, ओके सर, कंटिन्यू। तो समझ में आ गया सब चीजें? यस श्योर सर। अब बात करते हैं कि मैक्रो का यूज हम करेंगे कब, क्या आपका बॉस ने एक एक डेटा भेजा, बोला भाई इसमें एक समरी बना, तो क्या लग रहा है आपको कि आप उसकी समरी बना देंगे? हाँ, उसके लिए क्या करेंगे, वीवीए प्रोग्रामिंग लिखना शुरू कर देंगे? डिपेंड करता है सर, कितना लंबा है, कितना मुश्किल है और बार बार करना पड़ता है, ये तीन चीज में डिपेंड करता है कि मैक्रो बनाओ या नहीं। वो तो अलग चीज है, हम पहले देखेंगे कि ये जो बॉस ने जो रिपोर्ट मांगा है और क्या इसको मुझे डेली बना के भेजना है क्या। अब मान लीजिए कि आपको कार खरीदना है, आप महीना में एक दिन ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाने के लिए कार खरीदना है, सही रहेगा? कोई मतलब भी नहीं, मतलब भी नहीं ना। आप एक एक बार दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए आप सर्दियों में ट्रेन कर दूंगा क्या? हाँ, इकोनॉमी देखते हैं ना यहाँ। इसी तरीके से अगर आपके बॉस ने रिपोर्ट दिया, अगर रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे बना, तो आपको वीवी के लिए सोचना। और सेकेंड थिंग, हम ये भी सोचेंगे कि इसको बनाने में टाइम कितना लग रहा है। अब आपके ऑफिस डेली जाना है, लेकिन आपके ऑफिस आपके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे है, 5 मिनट की दूरी पे है, तो आप कार थोड़ी खरीदोगे, ढलते हुए चल जाओगे। सेम उसी तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ, मतलब कि आपके पास जो काम है उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है कि हाँ इसको करने में 1.5 घंटा लगता है, तो उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। अब एक चीज जान लीजिए, ऐसा नहीं कि वीपी प्रोग्रामिंग जादू की छड़ी है, आप घुमाएंगे और सब काम कर देगा। ये ऑटोमेशन करता है कंडीशंस पे, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जितने भी नाम आए हैं उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है, तो वीवीए कर सकता है क्योंकि दोनों नाम के बीच में स्पेस लगा है, तो आप बोल सकते हैं भाई स्पेस से पहले फर्स्ट नाम है और स्पेस के बाद सेकंड नाम, राइट? लेकिन आपको नाम मिला कुछ इस तरह से, सुजीत कुमार, अब इसको वीवीए अलग नहीं कर सकता, समझ में आया? नहीं कर सकता क्योंकि बीच के बीच में किसी तरह का सेपरेट नहीं है। आप भी जो जाना पहचाना नाम है वो आप भी कर देंगे, लेकिन साउथ इंडिया का नाम हो गया या विदेशों के नाम हो गए, जो नाम कभी सुने नहीं है, समझे नहीं है, उस नाम पे आप भी नहीं कर पाएंगे, मैनुअल भी नहीं कर पाएंगे, आपका भी दिमाग वहां पे स्टक हो जाएगा। तो वीवीए जो है कंडीशन से वर्क करते, और जरूरी नहीं कि 100% हो, 50% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा,
एटलीस्ट मान लीजिए कि आपका अगर 100 मिनट काम, 1.5 घंटा लगता है, 100 मिनट का वर्क है, उसमें अगर 60% हो गया तो 1 घंटे काम तो बच गई ना, आधे घंटे ना करना पड़ा, एटलीस्ट 1 घंटा तो बच गया ना हमारा। तो इस तरह से ऑटोमेशन करने के लिए दो सिचुएशन होती है, लेंथी वर्क एंड रिपीटेड, ऐसा काम जो हमें बार बार करना हो या एक ही काम हो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा, समझे? यस सर। जैसे मान लीजिए ना आपको 10,000 वेबसाइट का लिस्ट दे दिया गया, एक्टिव लिंक दे दिया गया, एक्टिव लिंक समझते हैं ना, जैसे ये होता है वेरिफिकेशन का होता हाँ 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 है, हाइपर हाइपरलिंक वेरिफिकेशन का लिंक, जैसे कि बहुत सारे जगहों पे हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि आप जाएंगे ना SEO वगैरह में जाते हैं, या ऐसी साइट जो वेबसाइट पे वर्क करती है, तो उनके पास क्या होता है, लिंक आता है। राइट। मैं बताता हूँ आपको, इस तरह का लिंक आता है ना, क्लिक करते ओपन करना है, एक्टिव करना होता है, हाँ जी समझ गए ना? यस तो एक्टिव करना लिंक होता है, जैसे लिंक पे क्लिक करना एक्टिव करना है, तो आपके पास 1 लाख लिंक आ गए। अब 1 लाख लिंक पे क्लिक करना पॉसिबल है नो मैनुअल? पॉसिबल तो है, मैनुअल तो नहीं लेकिन होगा, पॉसिबल तो है बट टाइम तीन लगेगा। तीन 4 महीना लग जाएगा, तो 1 दिन में बहुत करेंगे तो 1,000 करेंगे। प्रैक्टिकली नहीं, नहीं। 1 दिन में करेंगे तो 1,000 करेंगे, नहीं सीधा थोड़ी करेंगे। लेकिन उसी चीज को हम वीडियो प्रोग्रामिंग में लिख देते हैं कि भाई लिंक को लो, ओपन करो, थोड़ा देर वेट करो, फिर क्लोज कर दो, फिर ओपन करो, वेट करो, क्लोज करो, क्या? लेकिन काम जो आया आपके एक ही बार आया कि 1 लाख लिंक मिला है, एक ही बार एक पे क्लिक करना है, आपको ये बार बार नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पहला नियम फॉल्स हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि रिपीटेड वर्क वाला लो नियम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम दूसरा नियम फॉलो करते हैं कि भाई वन टाइम है बट लेंथी है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसको ऑटोमेट करना हो, ठीक है सर? राइट राइट तो दो सिचुएशन में करते हैं, रिपीटेड वर्क और लेंथी वर्क। अब दूसरा जो बात आती है किसके लिए, देखिए वीवी प्रोग्रामिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग आप अपने लिए कर रहे हो तो तसल्ली से दवा के यूज करो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, जैसे 100 लोगों को फाइल भेजना है, तो मैं बोलूँगा वीवी अवॉइड करो। इसके दो रीजन है, पहला इसकी सिक्योरिटी जो होती है डिसेबल होती है बाय डिफॉल्ट, समझे? यस इसकी यस सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट हाँ डिसेबल होती है। आपने किसी को भेजा, अब वो ओपन करेगा, उसको पॉपअप देगा एनेबल माइक्रो, देखेगा सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, यार कुछ प्रॉब्लम है, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, इसमें वायरस है, फोन करेगा आपके फाइल में प्रॉब्लम है, ओपन करते ही वार्निंग देता है, प्लीज ठीक करें। फिर उसको आप समझाओगे भैया वार्निंग नहीं है, एनेबल माइक्रो करने का कर लो, क्योंकि सारे लोग तो वीवीए से फैमिलर हो गए जरूरी नहीं है ना, उसपे बहुत सारे मार्केटिंग वाले होते हैं, एमबीए वाले होते हैं, जो कि एक्सेल को बस ओपन क्लोज करने का यूज करते हैं, क्या? अब हाँ हाँ करेक्ट सबने करेक्ट मुझसे क्लासेस तो नहीं लिया होगा जो वीवीए के बारे में जानते होंगे, तो ये वहां बहुत पे लोग ये मानते हैं कि मैक्रो मैक्रो के के थ्रू वायरस वायरस भेजा भेजा सकता है सकता है, आता है ऐसा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे खुद कह रहा है ना, देखिए ना, जब एनेबल करते हैं तो बोलता है हाँ नॉट दैट रिकमेंडेड, इज यस सर पोटेंशियल डेंजरस कोड कैन रन, माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है आपको। तो ऐसे केस हाँ एक पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब वीवीए प्रोग्रामिंग से जो चीज़ आप बनाते हैं वो वेब के वर्जन पे नहीं चलता है, और आपके ऑफिस में बहुत सारे होंगे जो आउटडोर जाते होंगे, जो टूर में होते हैं, वो टैब्स और मोबाइल से ही रिपोर्ट्स को देखा करते हो,
आपका बॉस फ्लाइट में बैठा हुआ है तो लैपटॉप नहीं, उसके पास टैबलेट है और रिपोर्ट टैबलेट से ही देखेगा। टैबलेट से देखेगा तो उसको सॉफ्टवेयर पे तो नहीं दिखेगा ना, उसको तो वेब बेस पे मिलेगा क्या। राइट बहुत सारे लोग इसको गूगल सीट पे देखेंगे, मेल पे जीमेल खोलेंगे और गूगल सीट पे जाके देखेंगे, तो राइट वहां पे ये चीजें वर्क नहीं करेंगे, समझ गए। राइट इसलिए हम यूज नहीं करते। अब बात करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब करने के लिए आप जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में, आप यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ से डेवलपर टैब को चेक कर देंगे ताकि ये डेवलपर टैब दिख जाए। उसके बाद आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करेंगे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो अगर आप अनेबल करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रो वाली कोड अननोन पर्सन की जो कोडिंग फाइल है ना वो रन ना करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अननोन पर्सन ने जो कोडिंग वाली फाइल भेजी है कैसे पता चलेगा इसमें कोड है या नहीं। तो उसके लिए उसके दो तीन तरीके हैं, आपको बताता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं आइकन समझ जाइए, इस तरह का आइकन दिख रहा है आपको ना, इस तरह का आइकन दिख रहे हो, नॉर्मल आइकन है। इस पे कर्सर रखते ही आपको एक्सेल वर्कबुक दिखेगा, ये नॉर्मल फाइल है, इसके अंदर माइक्रो या इस तरह की फाइल है, इसके अंदर माइक्रो नहीं होगा, ये एडिट्स फाइल है, सॉरी ये सीएसवी फाइल है। इस तरह के इसमें आपका माइक्रो नहीं, हाँ इस तरह की फाइल आपको आइकन मिलेगा जिसमें ए ए होगा, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस एम, मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक। इसमें आपको डेटा और कोड दोनों हो सकता है, जरूरी है इसमें कोड हो ही, ये डेटा भी कैरी करता है और कोड भी कैरी करता है, समझे। ये जो फाइलें हैं वो सिर्फ डेटा कैरी करती है, कोड कैरी नहीं करती है, डेटा भी कैरी करती है कोड भी कैरी करती है, इसमें कोड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन लेकिन ये जो फाइल टाइप है जिसको बोलते हैं एक्सएलएस ए, एक्सेल एड इंस वर्कबुक, इसके अंदर 100% कोड होगा, क्योंकि ये डेटा कैरी करता ही नहीं है, ये कैरी क्या करता है दे? तो कोई अननोन सोर्स से आपको ए मिल रहा है तो सावधान हो के खोलिए, समझ गए, क्लियर है। तो माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल कर लिया। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइल को आप सेव करेंगे किसमें, देखिए बाय डिफॉल्ट आपका फाइल जो होता है एक्सेल वर्कबुक में, जिसको आप माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल सेव करें उसके बाद ही कोडिंग करें, क्योंकि कोड करने के बाद आपके ध्यान में नहीं रहा, आपने गलती से एक्सेल वर्कबुक में कर दिया तो आपका माइक्रो सारा का सारा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो डिसेबल फाइल है, किसी भी तरह का माइक्रो कैरी नहीं करता है, समझ गए, क्लियर है। अब ऐसा हुआ है मेरे एक बीवी के बैच है जो कि 12 बजे वो आते हैं, उनको मैंने होमवर्क दिया था, उन्होंने मुझे होमवर्क पे ठीक है, उन्होंने मुझे फ्राइडे को होमवर्क दिया, उन्होंने फ्राइडे को शाम को ही भेज दिया कि होमवर्क मिल गया। मंडे को जब मैंने क्लास लिया तो मैंने बोला कि आपने होमवर्क नहीं भेजा, सर मैंने होमवर्क भेज दिया देख लीजिए। हमने बोला कि ठीक है आपका होमवर्क मैं देखूं, लेकिन देखूं कैसे, ऐसा गलती शुरुआत में सारे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं कि फाइल को एक्सलेस एक्स में कर देते, इसलिए मैं पहले दिन बोलता हूँ और इसको जोर देते हुए बोलता हूँ
कि फाइल को कोडिंग करने से पहले, कोडिंग करने के बाद नहीं, कोडिंग करने से पहले ही फाइल को सेव एज कर ले माइक्रो अनेबल पर। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, भूल जा रहे हो और ज्यादा माइक्रो में काम करते हैं, तो आप मेरी तरह इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था एक्सेल ऑप्शन के अंदर सेव के अंदर यहाँ पे जाके, दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी थी, ठीक है। ओके ओके, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, क्लियर है। क्लियर जो है इन सारे चीजों को जान के आप माइक्रो को यूज करने के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन उससे पहले आपको दो स्टेप और चलना है। पहला स्टेप आपको जानना है रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में, ठीक है। उससे पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, एक आर्टिकल है, आप शायद याद कर पाएंगे इसको, excel-vba.com, दिख रहा है। अब मेरा कोई, ये मेरा नहीं है, ना मैं इसका प्रमोट कर रहा, बट मैंने अपने लर्निंग टाइम में इसको पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब से मैं इसको हर स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसे तीन सेक्शंस है इसके चैप्टर से, इस पे इमेज के साथ अच्छा समझाया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम निकाल के इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए, टाइम निकाल के इसके चैप्टर कुछ पढ़ लीजिए, और सिंपल सा है excel-vba.com, तो ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है। लिख लिया। तो दो चीज जो है आप प्रिपेयर कर लें, फिर कल की क्लास में हम इसके आगे चीजों पे डिस्कस करें। ओके सर।